और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की सबसे अच्छी खबर के साथ। युवा खिलाड़ियों ने क्या जमकर खेला। जी हाँ, पहली चैंपियन, पहली विश्व विजेता, भारत की बेटियों के नाम हमेशा हमेशा के लिए अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। T20 विश्व कप का पहला विजेता होना अपने आप में गर्व की बात है। शेफाली वर्मा की युवा ब्रिगेड ने ऐसा कमाल किया कि दुनिया देखती रह गई। टीम के गेंदबाजों ने तो कमाल ही किया, 68 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद आपको बता दें, टीटास साधु ने तो लिबर्टी को कोई लिबर्टी नहीं दी, सीधे पवेलियन का रास्ता दिखाया। 4 ओवर में महज 6 रन, ओह जितनी तारीफ की जाए कम ही है। इसके अलावा देवी की अगर बात की जाए तो उनका 2 विकेट मैच को कब्जे में करने के लिए काफी अहम रहा। क्या कमाल का प्रदर्शन किया देश की बेटियों ने। सोशल मीडिया तो भर ही गया लोगों के संदेश से। आपको बता दें, बड़े धुरंधर आज सोशल मीडिया पर इन देश की बेटियों को लगातार बधाई संदेश दे रहे हैं। जल्दी मिलेंगे आपको बता दें, हमारे साथ ज्वाइन होंगे शेफाली के जो कोच हैं वो ज्वाइन होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि खिलाड़ियों के परिवारों की क्या प्रतिक्रिया थी। वैसे पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहना है परिवार के लोगों का, सबसे पहले वो प्रतिक्रिया सुनिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को दीदी के ऊपर प्राउड है। वेल डन दीदी, ऐसे करते रहना। चंदू जी वल्दी अच्छा है, पहली बार कैप्टन बनी, पहली बार ही वर्ल्ड कप आ गया। तो काफी स्ट्रगल किया है वो, थोड़ा सा वो बताइए। देखो जी, पहले का स्ट्रगल तो हम याद नहीं करना चाहते, पर ये अब अच्छा ही होगा। हमने बहुत जश्न मनाया है, बहुत अच्छा माहौल है। खानदान की लड़की ने नाम रोशन किया है चोपड़ा परिवार का। खानदान में इकलौती लड़की है, सब खेलते थे, देखिए लड़की आगे गई है। आज तो पूरा भारत ही कह रहा है, और हमने जो ये ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, बहुत खुशी है कि पहली बार ही वर्ल्ड कप हुआ है अंडर 19 का, गर्ल्स का, और हमारी गर्ल्स टीम ने हमें प्राउड फील कराया है, पूरे भारत को प्राउड फील कराया है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी उस जीत का हिस्सेदार है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने नाम रोशन कराया देश का, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा। बेटी 12 साल की थी जब अपने भाई के साथ ग्राउंड गई थी एक दिन वैसे घूमने के लिए, तो उसने गेंद फेंद वहाँ फेंकी तो उसके कोच ने उसे रख लिया। कोच बोला इसे मुझे दे दे भाई। हमने मना किया कि बेटा लड़की है, कोई आदमी गांव में क्या कहेगा, गांव के रहने वाले हैं। अरे कहीं छोड़ो इन चीज़ों को, क्यों घूम रहे हो पुरानी चीज़ों में, नई चीज़ों में आइए, इसे लड़की को रहने दो यहाँ पर हमारे पास। तो रहने लगी, फिर हमने मेहनत की, उसके भाई ने भी मेहनत की और वो इस जगह पहुँच गई। आज हमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है, काश इंडिया लेवल पे खेल रही है। तो छोड़ो इन चीजों को और उड़ान भरने दो इस खुले आसमान में हमारी बेटियों को। हमारे साथ आपको बता दें टीम की कप्तान शेफाली वर्मा के कोच संत राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला अगर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का आगाज किया गया, और क्या बखूबी से, किस बखूबी अंदाज से उसका समापन किया है खिलाड़ियों ने, कैसा महसूस हो रहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबको मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारी देश की लड़कियों ने देश का नाम रोशन किया है और काफी अच्छा क्रिकेट खेली है। हमें काफी प्राउड फील हो रहा है, पूरे देश को उन पर प्राउड फील हो रहा है, हमें काफी अच्छा लग रहा है। जी राठी जी, आपसे ये भी खास तौर पर शेफाली के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। हालांकि वो अभी बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन जैसा कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, कमाल कर दिया आपके शिष्या ने। जी जी बिल्कुल, वो जब छोटी थी तब से ही मतलब उसके खेल में एक यूनिक सी चीज थी, वो पावर हिटिंग करती है, सारा देश जानता है। तो हमने उसको बॉयज में प्रैक्टिस करवाई, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट है। उसमें रणजी ट्रॉफी प्लेयर भी थे, 19 प्लेयर भी होते थे, जो काफी अच्छे लेवल पर हिट खेलते थे, वो उनको भी अच्छे तरीके से हिट करती थी, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो अभी इसका ये फायदा मिल रहा है कि अभी वो जिस लेवल पर क्रिकेट खेल रही है वहां हर जगह परफॉर्म कर, हर जगह परफॉर्म करती हैं और उम्दा परफॉर्मेंस दिख भी रही है। राठी जी, एक गुरु की शिक्षा कहते हैं तभी तर जाती है जब उसका जो शिष्य है उसकी शिक्षा का मान रखते हुए बुलंदियों को छूते जाता है। संतुष्ट हैं शेफाली की उपलब्धि से या फिर ये दिल मांगे मोर? जी जी, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ वो जीत गए, उससे काफी खुशी मिली, लेकिन अभी सीनियर वर्ल्ड कप है, हम चाहते हैं कि वो भी जीते, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे,
दिल मांगे मोर तो रहता ही है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। जितनी क्रिकेट खेल रहे वो अच्छा परफॉर्म करे, देश का नाम रोशन करे, हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का नाम रोशन करे, हमारी अकेडमी SRNCC है उसका नाम रोशन करे, हमें काफी अच्छा लगेगा। जी, शेफाली की दिनचर्या के बारे में अगर जानना चाहें, क्योंकि लाखों लोग, अगर लाखों युवा पीढ़ी अगर बात करें, वो उनको फॉलो करना शुरू करेंगे और फॉलो कर भी रहे होंगे, तो सुबह से शाम तक वो क्या करती हैं, क्या खाती हैं, कितने घंटे फील्ड पर पसीना बहाती हैं, एक्सरसाइज करती, क्या कुछ उनकी दिनचर्या होगी, होती है आमतौर पर? सुबह का ये रहता है, फिटनेस सेशन होता है सुबह का, उसके बाद फिर शाम का नेट सेशन होता है, नेट प्रैक्टिस होती है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, ऐसे सारा दिन ही क्रिकेट, मतलब अगर क्रिकेट खेलनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्रिकेट में जी जान लगानी पड़ेगी, ये नहीं है थोड़ा बहुत किया काम चल जाएगा, आपको पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी, और कितने घंटे अगर प्रैक्टिस होते हैं वो, और खासतौर पे आप उन्हें कब से कोचिंग दे रहे हैं उसके बारे में भी जरा बताइएगा। वो हमारे पास 12 साल की थी तब से प्रैक्टिस कर रही है और उसको बहुत लगन थी। और आमतौर पे एक दिन में अगर बात की जाए, जी 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 बताइए। जी जी जी, और आम तौर पर जिस तरीके से एक दिन की बात की जाए तो कितने घंटे होते हैं जो वो फील्ड पे बिताती हैं, गुजारती हैं? मॉर्निंग सेशन रहता है 2-3 घंटे का और नेट प्रैक्टिस रहती है 3.5-4 घंटे की, उसमें आप ये देख लो 6-7 घंटे हो जाते हैं। जी, अच्छा, खेल से अलग अगर बात की जाए शेफाली की, तो कैसी हैं वो, क्या वो जो आम बच्चियों की तरह नटखट हैं, जिद्दी हैं, बाकी चीजों में दिलचस्पी रखती हैं, या फिर एकदम एक तरीके से अडिक बोलते हैं, सिर्फ खेल पर ही फोकस करने वाली है, बाकी चीजों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है? बिल्कुल जी, उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करती है, उस पर मेहनत करती रहती है, लगातार इम्प्रूवमेंट करने की, मतलब एक उसको लगन है, सोचती रहती है कि अब ये यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, लेकिन उसको वो ठीक जब तक नहीं होता वो लगी रहेगी, उसको इतनी लगन है काफी। लेकिन ये नहीं है कि उसका अच्छा मतलब रहता है, मतलब हर टाइम खुश रहती है ऐसा नहीं है, कि एंजॉय करती है क्रिकेट को तो उसको काफी अच्छा लगता है, वो लगी रहती है। जी, यानी जिंदा दिल इंसान है शेफाली। और सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कप्तान है और कप्तान की बड़ी ही अहम भूमिका होती है एक मैच में, जब आप मैदान पर उतरते हो तो कप्तान ही होता है जो एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे मैच को पहले से ही डिसाइड कर लेता है और फिर जैसी जैसी चीजें आती जाती है उस हिसाब से कदम लेता है, और खास तौर पर जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनसे उनका संबंध अटूट रहना, उनका आदर करें, उनकी चीजों को मानिए, बहुत अहम हो जाता है। तो अगर आपके खुद के कोचिंग की बात करें तो जो बाकी के प्लेयर्स होते हैं उनसे शेफाली का किस तरीके का व्यवहार रहता है? बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार रहता है, और एक कैप्टन का ये मेन रोल होता है कि अपनी टीम को आगे रखे, कम्युनिकेशन बना के रखे, जिस जो उसने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टीम का कम्युनिकेशन बना के रखा है, जिसका आज हमारे पास रिजल्ट है कि बॉलरों ने अच्छी बॉल डाली है, बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग की है। यही एक टीम लीडर का काम होता है, जो उसने बखूबी रूप से अच्छे तरीके से निभाया है और सबको आगे रखा है। जी, राठी जी, अगर डाइट प्लान की बात की जाए, इतने फिट है हालांकि 19 साल के, अभी बहुत सारा क्रिकेट उनके भीतर बाकी होगा, बुलंदियों को उन्हें छूना है, मेन क्रिकेट में उनको आना है, तो डाइट प्लान किस तरीके से फॉलो करती हैं? डाइट जो क्रिकेट के लिए जरूरी होता है वो हम सभी बच्चों को बोलते हैं कि मतलब आप तली हुई चीजों से या मतलब फास्ट फूड से बचो, और अच्छी मतलब जो डाइट है क्रिकेट के लिए जरूरी होती है डाइटेशन बता देते हैं, वो चीज को अच्छे तरीके से फॉलो करती है और वो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखती है, कभी भी मतलब ये नहीं मिलेगा कि ग्राउंड में जाना होता हो ग्राउंड में नहीं पाएगी, उसको हर टाइम मतलब अलर्ट रहती है और प्रैक्टिस के लिए हमेशा
रेडी मिलेगी। वो कभी भी आप कोई भी ड्रिल कराओगे, कोई भी फिटनेस वर्क है, कुछ भी है, वो कभी मना नहीं करती। उसका यही डेडिकेशन है, वो हर टाइम क्रिकेट उसको पसंद है, वही हर चीज अलर्ट रहती है, वो करती रहती है। कभी ये नहीं मिलेगा आपको कि नहीं आज मूड नहीं है। यही आज पूरे इंडिया को उस पर प्राउड फील हो रहा है, सब खुश हैं। जी राठी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब से इन बेटियों ने बुलंदी को छुआ है और ये इतिहास रचा है, कई जगह शेफाली के बारे में कई अलग अलग चीजें, छोटी छोटी बातें निकलकर सामने आ रही, उसमें ये भी कहा है कि शेफाली एक वक्त था जब लड़कों की टीम में खेल चुकी हैं और प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थी, क्या इस वाक्य के बारे में आप हमें बताएंगे थोड़ा? जी जी बिल्कुल, उसके पापा ने कई बार बताया है, ये उसका भाई है साहिल वर्मा, उसकी जगह उसको खिलाया था, और उसने जब वो शायद 11 साल की थी, तो उसके बाद उसने अच्छा परफॉर्म किया, वहां पे मैन ऑफ द मैच रही, मैन ऑफ द सीरीज रही, ये सच बात है। उसने खेली है, उसके बाद हम भी जैसे अब एकेडमी में जब भी वो आती है उसकी बॉयज में ही प्रैक्टिस कराती है। जी जी संत राठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आशा करेंगे कि ऐसे तमाम शेफाली वर्मा को आप कोचिंग दें ताकि वो भारतीय जो खेमा है उसमें आ सके और भारत का नाम रोशन कर सके। जी थैंक यू। तो आपको बता दें किस तरीके से पूरी जो भारतीय टीम है आज उसका गुणगान हो रहा है, अंडर 19 की जो टीम है किस तरीके से उसने ये बुलंदियां छुई हैं, तमाम लोगों की जो शुभकामनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो शायद जानते भी नहीं होंगे, लेकिन एक एक करके छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इन क्रिकेटर्स के बारे में फिलहाल वो गूगल पर सर्च कर रहे हैं ताकि उन्हें हर एक चीज मिल जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, एक और खिलाड़ी इस टीम की रही है जो बेहद एक छोटे से गाँव से आती है, जो जिनका 2 विकेट लेना, आपको बता दें अर्चना देवी का 2 विकेट टीम के लिए कितना उपलब्धिदायक उस समय था जिस वक्त उन्होंने वो 2 विकेट लिया था। उनकी मां की अगर बात की जाए तो वो खेतों में काम करती हैं ऐसा कहा जाता है, तो संघर्ष से, जो संघर्ष है परिवार का संघर्ष है, उस संघर्ष से ये किरणें जो निकली हैं आज भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, भारत का मान बढ़ा रही हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच